बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं लखनऊ से जो आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ कोर्ट में बमबारी की घटना सामने आई, तो कई वकील घायल, एक बम फटा, तीन जिंदा बम मौके से मिले हैं। तो वजीरगंज पुलिस मौके पर बनी हुई है, वकील संजीव लोधी पर हमला किया गया है। तो कोर्ट परिसर से घटना सामने आई, जहां पर वजीरगंज पुलिस मौके पर बनी हुई है, जो पूरे मौके का मुआयना कर रही है। वकील संजीव लोधी पर यह हमला किया गया, लखनऊ से बड़ी खबर। संवाददाता अरुण चतुर्वेदी फोन लाइन पर। अरुण, कोर्ट में बम फटने से हड़कंप, कई वकील घायल, ताजा अपडेट। जी मैं आपको बता दूं कि वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय में बमबारी गोलीबारी हुई है, जिसमें एक अधिवक्ता है संजीव लोधी जो घायल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इसमें जब मुआयना किया गया तो उसमें से दो या तीन बम जिंदा मिलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जिन वकील पर हमला हुआ है वो घायल हो गए हैं, उनको तत्काल जो है उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि कचहरी में जिस तरह से बम से हमला अधिवक्ता पर किया जा रहा है, ये एक तरह से सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल पुलिस, वजीरगंज पुलिस मौके पहुंच गई है और जांच भी जुट गई है। कई वकीलों को भी जो है चोटें आई हैं बमबारी से, उनको भी अस्पताल में इलाज के लिए बिल्कुल। अरुण, वकील संजीव लोधी पर यह हमला किया गया है और इसी दौरान जो है हड़कंप यहाँ पर देखने को मिला। हमले के पीछे क्या वजह यहाँ पर बताई जा रही है, अभी कुछ क्या कुछ निकल कर सामने आया इस पूरी बमबारी को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले की ये घटना है और बमबारी मिली है। पुलिस जैसे घटना हुई तत्काल वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बमबारी से मौके पर पुलिस पहुंची है, क्योंकि यहां पर न्यायालय का था, पहले से पुलिस मौजूद रहती थी। तत्काल जो घायल हुए उनको अस्पताल के लिए भिजवा दिया गया है और पुलिस जाँच कर रही है कि इस पर जो बमबारी हुआ है, जो वकील अधिवक्ता जो घायल है संजीव लोधी, आखिर उन पर बमबारी के हमला किस कारणवश हुआ है, किसकी आगे पैरवी कर रहे थे, किसका केस लिए हुए थे, इन सबकी पुलिस जाँच कर रही है। जल्द से जल्द अपडेट आएगा कि आखिर उन पर जो बमबारी हमला हुआ है वो किसने हमला किया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है, कोई पहली बार इस तरह से हमला कोर्ट परिसर में देखने को नहीं मिला है अरुण, लेकिन जिस तरह से बार बार इस तरह की घटना सामने आती है जो कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर सीधे सवाल खड़ा करती है, और सवाल पुलिस पर भी कि कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर सजग नहीं दिख रही है पुलिस। जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिसपुर में भी कई कोर्टों पे लोगों हमला हुआ था कई जिलों में, इसके बाद कमिश्नर ने भी आदेश, पुलिस कमिश्नर ने भी किया था कि उसके जांच की जाए, सुरक्षा कोर्ट की बढ़ाई जाए। यहाँ तक कोर्ट के जिला जज लोगों ने भी कहा था कि सुरक्षा कोर्ट की बढ़ाई जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार कोर्टों पर हमला हो रही है, अधिवक्ताओं पर हमला हो रहा है कोर्ट परिसर के अंदर, वो सवाल खड़े करते हैं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर। अब देखना है कि जो लापरवाह है अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस कमिश्नर, और जिस हिसाब से बमबारी की गई है पुलिस कोर्ट के अंदर और जो अधिवक्ता घायल हुए हैं उन पर किस वजह से हमला हुआ है, इसकी भी जांच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।